अनिल अंबानी की रिलायंस पावर लिमिटेड के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। रिलायंस पावर अब पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई है। स्टैंड अलोन बेसिस पर रिलायंस पावर पर कुल 800 करोड़ रुपए का कर्ज था। दिसंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच रिलायंस पावर ने IDBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS सहित विभिन्न बैंकों के साथ कई ऋण निपटान समझौते किए। कंपनी ने अब इन बैंकों का पूरा 800 करोड़ रुपए का कर्ज अदा कर दिया है। रिलायंस पावर अब एक ऋण मुक्त कंपनी बन गई है। दिसंबर 2023 में रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के विकास अधिकार THDC को 128 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। इसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने महाराष्ट्र में अपना 45 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट JSW रिन्यूएबल एनर्जी को 132 करोड़ रुपए में बेच दिया। इन परियोजनाओं की बिक्री से प्राप्त फंड्स का इस्तेमाल ऋण चुकाने के लिए किया गया है। पिछले दो हफ्तों में रिलायंस पावर के शेयरों में जबरदस्ती तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 30% से भी ज्यादा उछाल आया है। फिलहाल रिलायंस पावर के शेयर 31 रुपए के आसपास चल रहा है।